नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सेहत की योगशाला स्पेशल। योगशाला स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में है। 21 जून को पूरी दुनिया योग करेगी। 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि योग दुनिया को हमारी ही देन है। इस विषय में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में जो एक्सपर्ट आए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। ढाका राम जी योगाचार्य हैं, आप योग और ध्यान में प्रशिक्षित हैं, आपको 24 वर्षों का अनुभव है। IIT कानपुर में आयोजित इंटरनेशनल नेचुरोपैथी और योग संगोष्ठी में आपको स्वर्ण पदक और गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगिक एंड आयुर्वेदिक साइंसेस की ओर से गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार स्वर्ण पदक मिल चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं। पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है ढाका राम जी। धन्यवाद आपका। योग नाम सुनते ही शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है और फिर आप जैसे ऊर्जावान गुरु को देखकर तो लगता है कि हाँ, योग वाकई में शरीर को बदल देता है। योग पे तो हम बात करेंगे, लेकिन इसकी जो आपकी योग से जुड़ने की यात्रा है, इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। निरंजन जी, बड़ा आश्चर्य है, हम नेपाल से यहाँ आए थे छोटी सी उम्र में, लगभग 8-9 साल की उम्र में। तब हमें पता नहीं था कि मंजिल इधर लेके आएगी, और उस समय में कराटे का शौक हुआ करता था, तो हम कराटे पढ़ते थे और कराटे सीखने के लिए हम जाते थे। तो किसी मित्र ने हमें कहा कि ढाका राम जी, अगर आप योग को इसमें जोड़ते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उस समय हम ब्रूसली के फैन थे, तो हमें भी पता चला कि वो भी ऐसा करते थे मेडिटेशन, जिससे उनके कराटे में अच्छी पावर होती है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे मित्र के साथ कराटे योगा की क्लास में गए। SK जिंदल साहब जो हैं, मेरे गुरुजी हैं पहले, परमानंद हॉल सिक्किम में, उनके पास गए, उनका असीम प्रेम मुझे मिला। फिर वहाँ से हमारा एक सफ़र शुरू हुआ। देन करते करते योग में हमारी रुचि बहुत अच्छी बढ़ी और कराटे भी हम साथ में करते थे। साथ में हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजो के भी हमने सीखा। उसके साथ साथ उच्च चीज़ें भी चल रही थी। उसी दौरान 1998 में हमें पौंडिचेरी जाने का मौका मिला गुरुजी के साथ। वहाँ हम गए तो हमें लगता था कि बहुत अच्छा हमें आता है, कि वहाँ जाके पता चला कि हमें कुछ नहीं आता। उसके बाद हम लोग लगभग वहाँ से आने के बाद लगभग 3 घंटे रोज़ हम उसकी साधना करते थे। और 98 में योगाकॉन एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हुआ अक्टूबर में, तो वहाँ हमने गोल्ड मेडल लाया, तो लोगों की बहुत हमें प्यार और सम्मान मिलने लगा। हालांकि योग में भी, हमारे कराटे में भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं, लेकिन जो रेस्पेक्ट लेवल मुझे, जो सम्मान मुझे योग ने दिया, वो कराटे में मुझे नहीं मिल पाया था। मिलता था पर एक छोटे लेवल पर, उसी एक सीमित था। फिर साथ में एक्यूपंचर का भी हमने सीखा। नेचुरोपैथी में हमने डॉक्टर की उपाधि ली, डिप्लोमा किया 3.5 साल का। ऐसे करते करते भारत के लगभग सभी जो सेंटर्स मेन मेन हैं, उन सब के सिस्टम, केवलधाम है, मुंगेर है, लोनावाला है, उन सब के कॉन्सेप्ट को समझा। और गुरुजी के साथ में कई जगह पर, जैसे कलकत्ता है, IIT कानपुर है, बहुत सारी जगह जाना हुआ। इसके साथ साथ हमने 2004 में मेरे मित्र के साथ एक योगा पीस संस्थान इंस्टीट्यूट, 2006 में उसका इनोग्रेशन किया। फिर धीरे धीरे हम इसमें रमने लगे और फाइनली फिर हम करुणाकर गुरुजी से मिले। उनसे मिलके हम योग की काफ़ी गहराइयों को और उनसे समझा हमने, और अब तो बस समय लगता है कि योग ही सब कुछ है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो योग ही सब कुछ है और ढाका राम जी ने इसको पूरे मनोयोग से अपनाया। आपने ब्रूस ली की बात की तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। ब्रूस ली की फिल्में, हम वीडियो पार्लर्स हुआ करते थे उस ज़माने में, नए नए चीज़ें आई थी ये VCR, तो वहाँ जाके हम देखते थे। ब्रूस ली से तो हमारा भी कोई तारुफ नहीं हुआ और आपका भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्हीं की तरह मार्शल आर्ट के जो फिल्म स्टार हैं, जैकी चैन, उनकी फिल्म में आप तो जुड़े थे उनकी फिल्म exactly, से। वो क्या था? एक्चुअली ड्रीम्स था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि बचपन में हम उनकी पिक्चरें देखते थे और जीवन हमें इस पहलू पर लाएगा कि वो हमारे सेंटर योगा पे संस्थान में उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके उन्होंने बोला कि हम आपको ये प्रोजेक्ट देते हैं, क्या आप करने के लिए रेडी हैं? तो मुझे एक्चुअली बहुत विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहे होंगे, और मुझे पता नहीं था कि ही एक्चुअल स्टेनली टॉम उसके डायरेक्टर थे, कि वो वाकई इनके राइटर हैं, मुझे सब आइडिया नहीं था। मैंने हाँ बोल दिया और बात ख़त्म हो गई। और मैंने कहा ठीक है, ऐसे लोग बहुत आते हैं जाते हैं, मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया।
एक 10 महीने बाद मेरे पास फोन आया कि हमारी टीम इंडिया आ चुकी है और आप एडिशन के लिए एक होटल वहाँ पे आ जाइए। तब तो मुझे लगा कि हम वाकई, और जब जैकी चैन के साथ मेरे 2 3 4 दिन उनके साथ रहना हुआ, इवन हमने खाना भी साथ लिया, तो मेरे लिए बहुत वंडरफुल, कह नहीं सकता कैसा था। तो जैसे वो फिल्म का नाम था कुंग फू योगा, आजकल योगा के योग के कई तरह के फॉर्म्स प्रचलित हैं, स्वरूप आ गए हैं। कोई पावर योग कर रहा है, कोई बीच योग कर रहा है, कोई रॉक योग कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या ये जो पतंजलि जी ने, आचार्य जी ने जो दिया था हमको योग, ये उसी तर्ज पर हैं या उससे अलग हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता उस तर्ज पे है। एक्चुअली मैं आपसे एक सोचा था, सवाल पूछूंगा नरेंद्र जी। हम जीवन की जो भी काम करते हैं, अक्सर मेरा सवाल हर जगह रहता है, क्यों करते हैं, क्या मोटो है जो भी काम करते हैं। क्योंकि हमें एक मोटो मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आज मैं आपके सामने, एक लक्ष्य होता है। हम सारे काम किस लक्ष्य को लेके करते हैं? जीवन में कुछ पाने के लिए, मतलब वो खुशी हो सकती है, संपूर्णता हो सकती है, जो लक्ष्य वो हम पालें तो हमें एक फुलफिलनेस मिले। वट एवर वी डू, हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं। और योग का एक्चुअल मतलब ही आनंद है, उससे भी ऊपर की चीज। इसलिए पतंजलि में जो योग की बात हुई है, वो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मतलब समाधि मतलब परमानंद तक ले जाने की बात है। और पतंजलि ने कभी भी योग के लिए, उनके बहुत सारे सूत्र हैं, एक कहा कि जैसे अथ योग अनुशासनम, पहले सूत्र में कहा कि अब हम योग का शुरुआत करते हैं, या योगस चित्त वृत्ति निरोध, आपके चित्त में चलने वाली सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं रहे, आप जीरो जैसे हो जाए, उस लेवल पर पहुंचने पर आप योग के मार्ग पर जाते हैं, ऐसे उनका कहना है। तो आजकल जो योग चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतने सारी चीज़ें कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है कि हॉट योगा पावर योगा सब। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, दे आर ओनली फिजिकली आई थिंक। और योग सिर्फ फिजिकली नहीं है, योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे मन को स्वस्थ रखता है, और हमारे आत्मा का प्योरिफिकेशन करता है। तो जब उन तीनों का प्योरिफिकेशन हो जाए तन मन और आत्मा से, तब हमारे दृष्टि में लगता है कि हम योग की तरफ कदम रखते हैं, ऐसा हमें लगता है। बाकी अब योग में पावर का कोई काम नहीं है। आपकी जो विशेषज्ञता है वो थेरेपेटिक योगा में बताई जाती है, तो इस तरह का जो योग है या जो आसन है वो किस स्थिति में करने चाहिए या किन लोगों को कराए जाते हैं? देखिए, थेरेपेटिक का मतलब, जहाँ योग की बात आती है तो एक आसन अलग चीज़ है। इसलिए जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, तो देखिए अलग अलग चीज़ें कर रखी है हमने, यम नियम आसन अलग हैं, प्राणायाम अलग हैं, प्रत्याहार ध्यान। पर हम जब कहने के लफ्ज़ों में हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, तब हम बोलते हैं हर चीज़ के लिए योगा कर रहे हैं। पर हर चीज़ के लिए योगा कर रहे हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता। एक आसन भी अगर आप ढंग से करते हैं, ढंग से करने का मतलब आपका तन भी वहीं पर हो, आपका मन भी वहीं पर हो, आपका बुद्धि भी वहीं पर हो, पूरा उस चीज़ पे। अभी एक आध चीज़ आपको कराऊंगा, छोटी सी क्रिया भी कहूँगा कि आप कहेंगे हाँ मुझे मज़ा आ गया, वो फीलिंग आनी चाहिए। तो थेरेपेटिक योगा का कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, A to Z कोई भी, उसके कारण है कि हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु की कमी है। इसे आयुर्वेद वातपित्त कफ को मानता है, एलोपैथिक का अपना मानना होता है, होम्योपैथिक का, सब थेरेपी का अपने अपने कॉन्सेप्ट है। लेकिन योग का कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर में जिस भाग में भी प्राणवायु का कमी है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, आसनों के माध्यम से या प्राणायाम के माध्यम से उस भाग में प्राणवायु को पहुंचा देते हैं। तो हेलो डॉक्टर, में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। सेहत की योगशाला में बहुत उपयोगी बातचीत हो रही है, ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी।